शिक्षक सम्मेलन में भाषण देने वाले नेताओं की इस देश में कमी नहीं है, पर शिक्षकों को सम्मानित करने वाले नेता बिले ही हैं। ये बात जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिलवाड़ द्वारा कोविड काल में जनता की उल्लेखनीय सेवा करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किए जाने पर शिक्षकों द्वारा कही गई। बताते चले कि कल दीपक बिलवाड़ द्वारा CHC प्रोला में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया, जिसमें अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ व क्षेत्र के अन्य कोविड वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। इससे पहले 15 अगस्त को सरकार द्वारा कुछ डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, कर्मचारियों व शिक्षकों को सम्मानित किया गया था, जिस पर सम्मान मिलने से वंचित कोरोना वॉरियर्स में असंतोष पनप रहा। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किए जाने की चौतरफा प्रशंसा हो रही है, जहां एक नर्स ने कहा कि 2 वर्ष से बिना छुट्टी किए कोरोना के खिलाफ युद्ध कर रही हैं, बावजूद हमारे अधिकारियों ने हमारे कार्यों की कभी सराहना नहीं की, पर दीपक विद्वान ने हमारे बीच आकर जो हमें सम्मान दिया है उसके लिए हम उनको साधुवाद देते हैं। क्या है तो मैं अध्यक्ष जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी पूरी टीम की ओर से, क्योंकि काम करने में उससे क्या होता है कि दुगना उत्साह जो है कर्मचारी के अंदर पैदा होता है। इसलिए मैं अध्यक्ष जी को अपनी तरफ से, अपनी टीम की समस्त टीम की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम में उन्होंने जी हमको जो है सम्मानित किया है, आज सम्मानित किया है दीपक बिजवाड़ ने सभी शिक्षकों को जो कोविड कार्य में लगे हुए हैं, क्या कहना है आपको? सबसे पहले तो चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष दीपक बिजवाड़ जी का भी आभार व्यक्त करते हैं कि जो हम कोविड काल में जितने भी कर्मचारी लगे हैं उनके उत्साहवर्धन हेतु जो उन्होंने प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिया है, इससे हमारी क्या है आगे की कार्य क्षमता दोगुनी होगी और हम सारे कार्य अच्छी तरह से निर्माण करने का कार्य करेंगे। सर, ये जूनियर डॉक्टर, ये पट्टी लगाने वाला आदमी, ये इस भावना के साथ अगर हम सोचेंगे तो हमारा कोई दूसरा इसका फायदा लेता है। इसलिए हम लोग यदि व्हाइट कोट पहने हैं तो किसी की जिंदगी के जो दाग उसके लाइफ में लग रहा है उसे इस कोट की तरह व्हाइट करने की तरफ जाना है, आप कर रहे हैं। और आज ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं उनको सम्मान करने आया हूँ जो हम सब की जिंदगियों को बचा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको, हाँ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप सबका धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि अपने बीच में कहा कि भैया इसको करिएगा, और मेरे द्वारा भी मुझे उम्मीद है आप मुझे माफ़ भी करेंगे कि मैं विलम्ब से आया हूँ। इस पूरे प्रोसीजर में मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है, आप सब अपने लोग हैं कि मुझे क्षमा भी करेंगे, और आपको इस भरोसे से कि आपके किसी भी मामले में ज़रूर आप मुझे आजमाएगा, मैं उसके लिए तैयार हूँ। और भविष्य में मैं चाहूँगा कि जो हॉल है इस हॉल का एक मॉडिफाइड चेहरा हमें देखने को मिले, और इसमें डॉक्टर्स लोग होते होती जैसे हमारे जिला पंचायतों के भी हैं, कलेक्ट्रेट के भी हैं, उस तरह से यहाँ पर भी हूँ। उसके लिए मैं आपको जो भी उसका एक एस्टिमेट बनेगा वो पैसा जिला पंचायत आपको देगी, और बाकी आप लोगों की जो भी अन्य चीज़ें होंगी आप समय अनुसार मुझे बताते रहेगा, और मैं आपके साथ हूँ, और आप लोग जिस तरह से कार्य कर रहे हैं इसकी पूरी सराहना करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।